हाय करो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। और आज से मेरा बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग आ रहा है, जो कि आज ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज कुछ स्पेशल हो रहा है मेरे यहाँ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट ली हूँ और कद्दू की और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। कद्दू की अलग बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी अलग बनाऊँगी। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दी हूँ, आलू की भुजिया बनाऊँगी और कद्दू की एक सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ सब्ज़ी फ्राई कर दे रही हूँ और सब्ज़ी फ्राई करने के बाद मैं सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला नहीं डाली हूँ, क्योंकि ये मिनी के लिए सब्ज़ी बन रही है। तो मिर्चा तो बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा मसाला डाली हूँ, आधा चम्मच लगभग, और नमक हल्दी बस डाली हूँ, क्योंकि तीखा नहीं खाती। बच्चों को उसे भी तीखा नहीं खिलाना चाहिए। और मेरी सब्ज़ी फ्राई हो गई है, उसके बाद मैं इसमें आटा लगा ले रही हूँ। और आटा लगाने के बाद अब ये यहाँ मेरा आटा लग गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चुकंदर ले ली हूँ और इसको मैं अच्छे से धो करके काट ली हूँ। और इसका जो पत्ती है ना, उसको मैं निकाल करके और इसको जो कद्दूकस से काट लूँगी, क्योंकि इसका मतलब जूस अगर बना देती हूँ ना, तो मिनी नहीं पीती है जूस। पता नहीं, अजीब उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, या पता नहीं क्यों नहीं पीती है। तो मैं क्या करती हूँ, कद्दूकस से इसे कस लेती हूँ। कद्दूकस से करने के बाद इसको पानी में डाल दूँगी 2 घंटे के लिए लगभग। तो इसका जो सारा कलर है ना, तो पानी में निकल जाता है। उसके बाद फिर हल्का सा नमक डाल करके दे दूँगी, तो पी लेती है अच्छे से। तो मैं उसको यहाँ करके रख दी हूँ। और ये देखिए, मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें दाल फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी सब्ज़ी हो गई है और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि पूरी परेठा नहीं बनाऊँगी। परेठा पूरी तो कम खाती भी, वैसे भी खाना बहुत कम खाती है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है खाना खाने के लिए। तो मैं रोटी ही बना दे रही हूँ, रोटी ही दूँगी टिफिन में। तो इसमें घी लगा दूंगी और अच्छे से, तो फिर खा लेगी घी लगा के। और रोटी या तो मतलब परेठा या पूरी दे देंगे तो फिर नहीं खाएगी, बोलती अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें स्वाद ही नहीं है, तो फिर नहीं खाती है। तो बस मैंने सोचा कि रोटी बना देती हूँ, रोटी ही लेके जाएगी। और उधर मैं दाल रखी हूँ, दाल पक जाएगी तो दाल भी फ्राई करना है। और उसके बाद इनके लिए भी टिफिन तैयार करना है। तो मैं सुबह ही 4 बजे ही उठ गई थी, 4 बजे उठी नहा धो के। अभी बज रहे हैं मतलब लगभग 5:30 बज रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं लगभग। मेरे 6:30 बजे तक खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद अभी मिनी सो रही है, तो मिनी को भी जगाना है, उसको फिर नहलाना है, ब्रश कराना है, उसके बाद फिर तैयार करना है उसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी दाल पक गई है और मैं दाल फ्राई कर दे रही हूँ। रोटी मेरी बन चुकी है और दाल फ्राई कर दे रही हूँ। दाल फ्राई करने के बाद अब चल रही हूँ, मिनी को जगाऊंगी। आज स्पेशल इसलिए मेरा ये ब्लॉग है, क्योंकि आज मिनी स्कूल जाएगी और आज मिनी का स्कूल का पहला दिन है। एक दिन और गई थी, लेकिन आज पढ़ने के लिए जाएगी। उस दिन तो बस ऐसे टहलाने के लिए लेके गए थे, दिखाने के लिए कि स्कूल कैसा है तुम्हारा। और अभी तक तो कल तक तो खुश थी शाम तक कि हाँ कल स्कूल जाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी सुबह से ना 2 बार मैं जगा चुकी हूँ, बोल रही मुझे पढ़ने ही नहीं जाना है, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, फिर से जगाती हूँ। स्कूल नहीं जाना है क्या? ये देखिए सो रही है। उठो, क्या हुआ, कुछ दर्द कर रहा है क्या? छोटू भैया आया था बुलाने, में इतनी तैयार हो गई कि नहीं? छोटू भैया तैयार होके आए थे। हाँ, कोई बैग लेके चला नहीं जाएगा। हाँ, अब क्या होगा? क्या नहीं लेके आओगी?
और तो नहीं लेके आऊंगी। हो गया, अच्छा जाओ घूम के आओ, तुम कुछ मत लेके आना, जाओ तो उसमें लेट हो जाएगा। छोटू भैया को बोल चले जाए स्कूल, आपको नहीं ले जाएंगे, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो आज सारे बहुत सारे बच्चे वहाँ नए नए आएंगे आज। ठीक है था ये तो ए इसमें कहाँ पढ़ेंगी भैया, चलो चलो बस। देखो मेरी सब्जी चल रही है क्या अभी? तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मिनी नहा धो चुकी है और मैं इसका टिफिन पैक कर रही हूँ। मैं इसका टिफिन के लिए सब्जी बनाई थी, आलू की भुजिया और रोटी बनाई हूँ, और इसमें दो मिठाई रख दे रही हूँ, और सलाद में है चुकंदर है, और इसमें चार पांच अंगूर डाल दे रही हूँ। खाएगी नहीं एक भी, मुझे पता है कुछ भी नहीं खाएगी, लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि टिफिन वापस ही आने वाली है, एक भी नहीं खाएगी। अगर खाएगी ना तो फिर मीठा बस निकाल के खा लेगी, ना तो कुछ नहीं खाएगी। पापा, नहीं जाएगा मांगना, जब बोलेंगे ABCD लिखो तो ABCD लिखना है, ठीक है। अपना बुक आपको दे देता हूँ, दो तीन मैडम को ABCD लिख के दे देना, अब तो हम नहीं बोलेंगी ना, तो फिर भी अपने से लिख के आप दे देना, ठीक। हेलो हल्लो, अगर नहीं बोलेंगी तो फिर आप अपने से लिख के दे देना। पेंसिल किधर है आपकी, लाओ पेंसिल, पूरा खा लेना। पक्का? हाँ हाँ, देखती हूँ खाली होगी, टिफिन आनी चाहिए, खाना पूरा आएगा तो पिटाई होगी। नहीं बचा रहेगा, थोड़ा खा लूंगी, थोड़ा बचा रहेगा। ऐसे बॉटल टांगो, देखो बोलो, ये वही लाज लग रही है। और पापा का मत ठीक ऊपर वाले में, नीचे वाले में कितने, नीचे वाले में खाना है, खाना है नीचे वाले में, और इसमें रेजर है, रेजर कहाँ रखते हैं? इसी में है। इसमें रेजर पेंसिल, रेजर पेंसिल, बोतल दाव भाई इसमें डाल दूँ, और इसमें क्या है मम्मा? इसमें कुछ भी नहीं है, दीजिए। भूखे काटे हुए वाला डाल दी क्या? वो लड़का डालू? छोड़ के ये वाले ABCD वाला बस डालूंगी, जिसमें ABCD है, छोटा मिनी। इधर देखो, हाय करो, खाना खा लेना है, खत्म कर लेना है, पढ़ना है, पढ़ना ही करना है। छोटू भैया को रास्ते में आते टाइम और रोना नहीं है, अच्छे से वहां रहना है ना, बदमाशी नहीं करना है बिल्कुल, वहाँ मैम मारेंगी नहीं, वहाँ बच्चों को बहुत प्यार करते हैं सब कोई। और वहाँ आपको खेलने के ढेर सारे बच्चे मिलेंगे ना,
आज मामा हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की, हनुमान जी का भी, हनुमान जी का मंदिर। आओ देखो कैसा है, इधर आओ। देखो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप चली जाइए रोके। क्यों चली आई रोके ये बताओ मिन्नी। मिन्नी अच्छा नहीं था क्या? नहीं। क्यों? अच्छा आपसे छोटे छोटे बच्चे आए थे कि नहीं आए थे? इधर देखो, इधर आपसे छोटे छोटे बच्चे थे ना वहाँ पे, ना रो रहे थे बच्चे, रो रहे थे। आप ही रो रही थी ना, आप गंदी हो, स्कूल जाते हैं तो कोई रोते हैं क्या? खुश तो इतना थी कि स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, वहां जाते हुए तुम्हारा पूरा भूल गया। रोना स्टार्ट कर दी गन्नी मिन्नी, गन्नी गन्नी सब गन्नी लड़की।